हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैं आपके साथ में ओम्स लॉ सीरीज में जब रेजिस्टेंस रखे थे उन टॉपिक्स को वर्चुअल लैब के थ्रू दिखा चुका हूँ। यहाँ पर जो ये आप वीडियो देख पा रहे हैं अभी, ये रेजिस्टेंस हैं और ये रेजिस्टेंस को हम लोगों ने पैरेलल में रखा हुआ है, राइट। ये रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पर वोल्ट मीटर हुआ है, ये एमीटर लगे हुए हैं और एक एमीटर जो है यहाँ पर लगा हुआ है इसके साथ में स्विच के बाद, ये दूसरा एमीटर जो सर्किट का तो ओवरऑल जो है करंट को मेजर करता है। तो जो 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है वहीं से उस वो जो टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस इन सीरीज या पैरेलल, तो उसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये तीन बैटरी लगी है, 1, 2, 3, और एवरी बैटरी जो है उसका जो वोल्टेज है वो 9 वोल्ट का है। तो ओवरऑल जो पोटेंशियल इस, और ये थर्ड वन जो है वो 12.5 वोल्ट का है, तो इसको अगर मैं 9 वोल्ट का ही कर दूं तो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको कम या ज़्यादा करने के एक ये और एक ये मेथड है। तो यहाँ से मैं इसको ये 9 वोल्ट का कर दिया है, तो अब तीनों जो बैटरी है वो 9 9 वोल्ट का हो चुका है, राइट। इस वे से ये भी 9 का, ये भी 9 का और ये भी 9 का, राइट। तो टोटल जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है पूरे सिस्टम को, पूरे सर्किट को, वो 27 वोल्ट का है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट। तो इस ये जो रेड कलर का है तो इसको आप पॉजिटिव टर्मिनल पे रखेंगे बैटरी के, और ब्लैक को रखेंगे निगेटिव टर्मिनल पे। तो इस तरीके से देख पा रहे हैं कि ये 27 वोल्ट है। यहाँ एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब रेजिस्टेंस आपके पैरेलल लगे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, तो राइट। और उतना ही जो है आपका सेकंड वन होगा, ये सेकंड है तो इसके अक्रॉस होगा, और उतना ही थर्ड के होगा। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है पूरे सर्किट में वो कॉन्स्टेंट है अक्रॉस दी जो टू टर्मिनल्स हैं, राइट। तो एक बैटरी का ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ पर आप जितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे उतना ही पूरे सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट के अक्रॉस होगा जो ये रेजिस्टेंस आपने यूज किए हैं। तो इनके इस साइड में इस पॉइंट पे ले लें, इस पॉइंट पे ले लें, और इनके इस साइड लेंगे तो ये किसी भी पॉइंट पे आप जब लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही मिलेगा, राइट। तो अब यहाँ ये जो रेजिस्टेंस हैं ये डिफरेंट डिफरेंट यूज किए हैं, तो एक 10 ओम्स का जो आप सबसे पहला देख रहे हैं, दूसरा जो है वो आपका 15 का है, और ये है 24.5 का, ये 15.5 का और ये 10 का। तो इस तरीके से ये R1, R2, R3 यूज किए हैं। तो यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, आप इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देखिए कि रेजिस्टेंस और उसके अक्रॉस जो है कितना करंट है, 2.7। ये रेजिस्टेंस डिफरेंट था, राइट। ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस था तो यहाँ करंट इसके थ्रू कम गया है, ये और भी ज़्यादा था तो इसके थ्रू और भी करंट कम गया है। लेकिन ये चीज़ जो है, जो कम या ज़्यादा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की स्पीड इसके कंपेरेटिवली कम है, और यहाँ तो इसके इन दोनों के कंपेरेटिव और भी कम है, राइट। यहाँ आप करंट की स्पीड देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, वो 5.54 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब जो है ना। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अब जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट में आपने ऑब्जर्व किया कि भाई अब वोल्टेज तो कांस्टेंट रहता है, वेरी क्या हुआ R1 के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे करंट वेरी हुआ। फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो V अगर कांस्टेंट हुआ तो इसका मतलब अगर I यहाँ चेंज होगा तो R भी चेंज होगा, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो रहेगा तो सेम, एंड वो आप लोग देख चुके हैं 27 वोल्ट। तो यहाँ उसी तरीके से ये रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो करंट कम हो गया, यहाँ रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा है, यहाँ रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा है तो करंट और भी कम है। अब लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो तीन करंट है, I1, ये I1 मान लिया जाए, ये I2 और ये I3, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू दिस टोटल करंट I। इसको आप ऐसे देख सकते हैं अभी कैलकुलेटर के थ्रू, ये पहली जो करंट है वो है 2.70 प्लस, और दूसरा है 1.74 प्लस 1.10, सो दैट इज इक्वल टू 5.54। अब अगर ये करंट यहाँ चेंज हो जाए किसी वे में तो जो पूरा सर्किट की करंट है
वो चेंज हो जाएगी, राइट। तो वो चेंज कैसे हो सकती है कि हम लोग यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा दिया जाए, राइट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे करंट चेंज हो गया है, तो इस तरीके से ये अभी आपका जो 16.5 है, सेकंड बैटरी जो है इतने वोल्ट की हो चुकी है, तो उसकी वजह से करंट बढ़ गया है। तो ओवरऑल करंट बढ़ा है, तो इधर भी करंट बढ़ चुका है, राइट। तो वो भी डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ से जो करंट चला है एक्चुअली वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कहाँ था? इस नीचे की साइड में। तो यहाँ करंट जो है वो कम चलेगा, उस कम अमाउंट का होगा। यहाँ जो है वो उससे ज़्यादा होगा, और यहाँ वो उससे ज़्यादा होगा, इन दो से ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से टोटल करंट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। ये आई है, और आई जो डिवाइड हुआ है I1 + I2 + I3 में डिवाइड हुआ है। तो इस तरीके से ये पैरेलल जो रेजिस्टेंस का कंसेप्ट है आप लोग देखते हैं, तो वो इस तरीके से यहाँ से समझ सकते हैं, वैल्यू नोट कर सकते हैं, अपने आप से उसकी वैल्यू वेरी कर सकते हैं। और अगर कन्वेंशनल सिंबल यूज करना है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ ये एमीटर, ये रेजिस्टेंस, और ये आपकी बैटरी के सिंबल, राइट। तो इस तरीके से ये सब आप अपने आप से भी कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं कंसेप्ट का। तो ये वर्चुअल लैब का कंसेप्ट है, राइट। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने आप से ड्रा कर सकते हैं। ये फैट सिमुलेशंस हैं, राइट। और यहाँ पे आप इनका चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि बैटरी, ये जो बैटरी है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर मैं यहाँ वेरी करूँगा तो आप देख पा रहे हैं कि करंट बिल्कुल कम हो जाएगी। यहाँ करंट बिल्कुल कम हो चुकी है। तो छोटा सा ही अमाउंट जो इंटरनल बैटरी का है रेजिस्टेंस का, अगर वो यहाँ पे आ जाए तो करंट का कितना इफेक्ट पड़ता है। अभी ये 7 एम्पियर है, अब ये 1 ओम अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाए पूरे बैटरी का, तो ये आप देखिए कि 4.38 एम्पियर करंट हो जाता है, राइट। तो और कम हुआ है, और कम। तो यहाँ से ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं इस तरीके से। और ये जो वायर यूज किए हैं आपने सर्किट में, अगर इनका भी हम लोग रेजिस्टेंस यूज कर लें तो आप देखिए कि यहाँ पे करंट और भी स्लो हो जाएगा। तो वायर की रेजिस्टिविटी है, राइट। तो अभी आप ये जो देख पा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, लेकिन अगर आपको कन्वेंशनल करंट देखना है तो करंट उसके अपोजिट फ्लो करता है, राइट। तो यहाँ पे आपको ये करंट देखिए, करंट की स्पीड, और यहाँ पे जो इन थ्री डिफरेंट ब्रांचेज के अंदर है वो करंट। अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं रेजिस्टेंस की, वो आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, या बैटरी की जो वैल्यूज़ हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन्स को इस वे में अगेन दोबारा, और ये सर्किट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप यहाँ से, पहले भी मैं बता चुका हूँ, इधर से आप डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर यूज कर सकते हैं, बल्ब यूज कर सकते हैं, बल्ब बीच में सर्किट में रख सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये था इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। और कुछ भी अगर आप किसी और एक्सपेरिमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन चाहते हैं तो यू कैन आस्क फ्रॉम द मैसेज बॉक्स। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।